सभी बीएलई भाई और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की हम इस फेसबुक लाइव में जो हम प्रत्येक सप्ताह करते हैं कृषि दर्शन प्रोग्राम में, तो आज का हमारा जो विषय है कि वह मौसम आधारित हम सलाह आपको क्या दें, इस संबंध में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, प्रदेश में मौसम में के परिवर्तन को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है आप बीएलई भाइयों को कि आप जो जिन बीएलई भाइयों ने धान की रोपाई नहीं की है वो धान की रोपाई तुरंत चालू कर दे। मौसम में काफी परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना है, तो आपकी धान की फसल का काफी अच्छा हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं की वो जल्दी जल्दी तैयारी करके इसको शुरू कर दे। साथ ही साथ कुछ ऐसी फसलें हैं जो जिन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की समस्या रहती है, तो बारिश होने की वजह से फसलें बोई जाती हैं। जैसे आपका बुंदेलखंड मंडल है, वहां पर बारिश होती है तो तभी लोग तिल की बुआई करते हैं, मूंगफली की बुआई करते हैं, अरहर की बुआई करते हैं। जो किसान भाई इस तरह की खेती कर अरहर की, मूंगफली की, तिल की, वो बुआई तुरंत शुरू कर दें, यह आपके लिए बहुत अच्छा मौसम, क्योंकि बारिश लगातार हुई है, खेतों में नमी भरपूर मात्रा में बनी हुई है। जो किसान भाई आम के उत्पादक हैं, आम उत्पादक किसान भाई जिनके पास आम है, उसका एक महोत्सव मना जा रहा है 13, 14, 15 एवं 16 जुलाई को। इसका जो शिलान्यास है अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में किया जाएगा। तो आप अपने संबंधित जिले के कृषि हॉर्टिकल्चर अधिकारी से बात करके वहां पर आम का उसमें वहां आम महोत्सव में जा सकते हैं और अपने आपके पास कोई अच्छी प्रजाति है आम की उसको वहां प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊसर भूमि में जो किसान भाई धान की रोपाई करने जा रहे हैं, उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें जो नर्सरी पौधशाला वो 30 दिन की हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप ऊसर भूमि में रोपाई करेंगे, ताकि उसमें 30 दिन की नर्सरी तैयार करने पर उसमें अच्छा पौधे का वृद्धि होता है। धान की रोपाई करते समय एक ध्यान रखने वाली बात और है कि हम 50 से 55 हिल प्रत्येक वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर में 50 से 55 पौधे लगाएं और एक जगह पर 2 से 3 पौधा लगाएं। पौधे की जो गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सब ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किसान भाई इस समय जो धान की रोपाई कर रहे हैं, तो धान रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक दवा प्रिटलाक्लोर जो बाजार में बहुत हमारे पोर्टल पे मिल जाएगी, सीएससी एग्री में इफको ई बाजार पोर्टल पे मिल जाएगी, वहां से हम मंगा सकते हैं। 500-600 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ उसका छिड़काव करें। धान रोपाई के 2 दिन के अंदर खेत में पानी भरा होना चाहिए। इसके बाद भी अगर जिन किसान भाइयों के धान 20 से 25 दिन के हो गए हैं, उसमें भी जैसे भी आजमगढ़ से कोल आई थी, वहां भी कुछ खरपतवारों की समस्या आ रही है, तो वहां कुछ मोथा तरह तरह के खरपतवार होते हैं, तो उसके लिए बिस्पायरी बैग सोडियम आपने सुना होगा, नोमनिकोल्ड के नाम से एक दवा आती है। नोमनिकोल्ड तो उसका नाम है पीआई कंपनी का, सभी कंपनियों की दवा आ गई है, उसका टेक्निकल है बिस्पायरी बैग सोडियम साल्ट। उसकी 100 से 125 मिलीलीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करना है। तो जितने भी खरपतवार की समस्या है वो खरपतवार, लेकिन इसका स्प्रे करना 25 से 30 दिन पे, जब धान रोपाई से 25 से 30 दिन हो जाएंगे उस समय भी दवा का स्प्रे करते हैं। अब उसमें समस्या आती है जो मोथा होता है, मोथा उस दवाई से नहीं जाता है, उसकी रोकथाम या नियंत्रण या उससे नहीं मरता है जो नोमनिकोल्ड वाला टेक्निकल होता है बिस्पायरी बैग सोडियम। तो इसके लिए बायर कंपनी का विस्पर करके आता है, वो 50 से 60 ml उसका मिला करके इसके साथ में छिड़काव करेंगे तो मोथे का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये भी किसी किसानों के यहाँ समस्या आ रही है, आज ही कहीं कहीं कोल आई किसान मोथा तो नहीं मरता, अन्य खरपतवार मर जाते हैं नोमनिकोल्ड वाला जो टेक्निकल है बिस्पायरी बैग सोडियम साल्ट, हमारे यहाँ युगाटा के नाम से आता है युगाटा। तो आप इसके साथ में जो बायर कंपनी का विस्पर आता है उसकी आप 50 से 60 ml मात्रा लेकर उसके एक एकड़ में छिड़काव करेंगे, तो उससे मोथा या अन्य तरह का जो नोमनिकोल्ड के मतलब जो युगाटा है उसके साथ में मिला के स्प्रे करेंगे बिस्पायरी बैग सोडियम साल्ट की, तो उसका सफाया हो जाएगा। साथ ही साथ मक्का की खेती कुछ किसान भाई करते हैं, मक्का की बुआई करते हैं। सावा कोदो जो आपके इस तरह के मिलेट्स हैं, सावा कोदो की बुआई आप कर सकते हैं। अरहर की अच्छी उपज देने वाली प्रजातियों की आप बुआई करते हैं इस समय, क्योंकि इस समय बुआई का बहुत अच्छा खेत में। सोयाबीन जो किसान भाई करते हैं, जैसे आपका बुंदेलखंड मंडल है, झांसी के आसपास के जो जिले हैं वहाँ सोयाबीन की खेती होती है, मध्य प्रदेश का जो लगा हुआ एरिया, तो वहां पर आप इस समय सोयाबीन की बुआई करते हैं। बुआई करते समय सोयाबीन में जो हम अगर खाद डालते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, या तो 12-32-16 होता है, या डीएपी या एक खाद आता है सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें सल्फर होता है। तो जितनी भी तेल वाली फसल है जैसे सोयाबीन है, दलहनी फसल है, उनसे तेल निकालने के लिए या दलहनी फसलों में हमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करना चाहिए, उसमें सल्फर भी होता है, 5 से 6 किलो सल्फर मिलता है। तो सोयाबीन इस समय बोने का बहुत अच्छा समय आप बो सकते हैं। तिल की खेती करें, तिल झांसी मंडल में बहुत होता है, तो आपके जो खेत खाली है, नमी होगी, तिल की बुआई तुरंत कर दें।
कुछ किसान भाइयों तिल की बुआई कर भी दी है और उनमें खरपतवारों की समस्या बहुत आ रही है। मेरे पास भी हमीरपुर से इधर उधर से फोन आते रहते हैं, तो उसमें एक दवाई आती है हमारे पोर्टल पे, वो है क्वाजल्फोइथाइल। तो उसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में तिल की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तिल की फसल में जो खरपतवार होते हैं उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तिल खुद चौड़ी पत्ती का होता है, तो इस तरह की दवा हमें उसमें प्रयोग करनी है ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो। तो क्वाजल्फाफ एक दवाई आती है, उसका टेक्निकल है, उसका नाम क्वाजल्फाफ आती है, उसे आप स्प्रे कर सकते हैं 400 से 500 मिलीलीटर 100-150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ कर सकते हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण इस समय हो जाएगा। मूंगफली की किसान बुआई बुआई कर सकते हैं, मूंगफली बुआई करते समय पोटास जरूर डालें, डीएपी डालें, पोटास 20 किलो प्रति एकड़, डीएपी 50 से 60 किलो प्रति एकड़ डालें, या अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाए तो 150 किलो डालें, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और मूंगफली का इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। गन्ना की फसल में जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र है जहां पर गन्ना की समस्या, गन्ना की खेती होती है वहां पर पोका बोइंग की समस्या इससे में आती है। पोका बोइंग इस तरह की बीमारी जिसमें पौधे की पत्तियां छातेनुमा हो जाती है, तो उसके लिए हम किसानों को सलाह देते हैं कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदनाशक दवा है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। या थायोफेनाइट एक दवा आती है, थायोफेनाइट मिथाइल मायोसी के नाम से आती है, हमारे पोर्टल पर मिल जाएगी, उसकी भी हम 600-700 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ गन्ने में बहुत सारी चोटी बेधक की समस्या आ रही थी कीट की, तो अब जो तेज बारिश होने के कारण चोटी बेधक की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता जाता था उस समय चोटी बेधक बहुत आ रहा था, टॉप बोर जिसको आप बोलते हैं, अब वो कम हो जाएगा। अब दिक्कत आएगी पोका बोइंग की, तो उसे आप फफूंदनाशक दवा से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियां हमारे पास इस समय, सब्जियां आपने देखी होगी मार्केट में सब्जियां बहुत महंगी हैं, तो जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि अभी अली भाई की इस समय बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, मिर्च इनकी नर्सरी पौधशाला डाल दें और 1 महीने में पौधशाला 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप उनकी रोपाई कर सकते हैं। बागवानी, कुछ लोग बागवानी करते हैं तो उसमें आम है, अमरूद है, लीची है, आंवला है, कटहल है, केला, नींबू आदि के पौधों का रोपण इस समय कर दें, तो जो आपने गड्ढे बनाए थे उसमें जो पौधे इस समय रोपण कर दें। इस समय पौधा लगाने से बरसात हो रही है, वो जल्दी उसका जड़े का निर्माण हो जाता है, पौधा की वृद्धि अच्छी होने लगती है। तो जैसे आप अमरूद है, आम है, लीची है, आपका आंवला है, कटहल है, केला है, अमरूद है, जो इस तरह के पौधे यानी कि बागवानी करना चाहते किसान भाई करें, उसमें गड्ढे बनाए होंगे, तो इस समय पौधों की रोपाई कर दें, नर्सरी से पौधे ले आए उसकी रोपाई कर दें, वो अच्छा आपका चलने लगेगा। साथ ही साथ जो एनिमल्स आप रखते हैं, पशु भी रखते हैं गांव में, तो गांव में साफ सफाई का ध्यान रखें पशुओं का, क्योंकि इस समय बीमारी बहुत फैलती है, फंगस वाली होती है, पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं, थनेला बीमारी हो जाती है, तो तरह तरह की इसके लिए वैक्सीन होती है, तो अपने जिला पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ जाकर के आप संपर्क कर लें और वहां से आप वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन की कीमत 2-4 रुपये होती, ज्यादा महंगी नहीं है, तो इसमें आपको लगवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बरसात के समय में FMD डिजीज होती है, खुरपका मुहपका बहुत तेजी से फैलता है, इसमें पशुओं को बहुत जानलेवा हानि होती है जिससे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तो आप ही तुरंत अपने जिले में जो पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर से संपर्क करें और अपने जितने भी आपके पशु हैं सभी को आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की कीमत 4-5 रुपये, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, तो आप तुरंत लगवाएं। साथ ही साथ पशुओं को कृमिनाशक दवा, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसकी दवाई आती है एल्बेंडाजोल, तो डॉक्टर की सलाह से लेकर के वो 3 महीने बाद एक टेबलेट पशुओं को दे देनी चाहिए। तो ये पशुओं का इस समय बहुत जरूरी होती है, और किलनी हो जाती है, जूं हो जाती है, और ये इस तरह की जो समस्या जानवरों के शरीर में होती है, पैरासाइट बोलते हैं इसको परजीवी, इनके लिए भी एक दवाई आती है, वो बाजार से लेकर के आप उसके शरीर पे मालिश कर देंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत से ऐसे परजीवी होते हैं, बहुत से आज हमारा एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है पशुपालन विभाग से, वो भी देख सकते हैं आप, उसमें ऐसा होता है वो CSC जो स्कीम के पोर्टल पे, उसमें बहुत से ऐसे पशुओं की ऐसी बीमारी होती है जैसे रेबीज है, रेबीज आपकी गाय को होगी या कुत्ते को होगी, आपको काट लेता है तो ट्रांसफर हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आदमी की जनहानि होती है। तो वो ऐसे को करने के लिए उसकी वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन हर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है। गांव वालों को ये नहीं पता पशु चिकित्सा अधिकारी कहाँ बैठता है, जिले में हर जिले में पशु चिकित्सा अधिकारी होता है, उसके नीचे स्टॉकमैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो गांव में जाते हैं आपसे संपर्क करें, समय समय पर अपने पशुओं को टीका लगवाते रहें जिससे आपकी पशुओं की जनहानि नहीं हो पाए। और जो मौसम पे इस समय जो आधारित फसलें हैं उस समय आप बुआई कर दें, तिल है, मक्का है,
और आपका सोयाबीन है और जितनी भी आपकी कोदो है आपका सावा है, इनकी बुआई कर दें, सब्जियों की नर्सरी की तैयारी करें, इससे में नर्सरी डाल दें, तुरंत नर्सरी डालने का बहुत अच्छा समय है। अगर नर्सरी में बारिश तेज हो रही है तो आप पोली हाउस बना करके पौधशाला की तैयारी करें। पोली हाउस का मतलब होता है एक प्लास्टिक की चादर, मतलब एक चादर होती है पोलिथीन, उसको उसके नीचे डंडे लगा करके वहाँ से उसमें नर्सरी तैयारी करें, क्योंकि आपकी एक महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप रोपाई कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम मेरा यही था, कोई आपको समस्या हो तो मेरे फोन नंबर पर बात कर सकते हैं। मेरा नाम ओमकार त्यागी है और मेरा मोबाइल नंबर 9005609062 है। मेरा मोबाइल नंबर 9005609062 है। आप मुझे कभी भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।